1889 में आज के दिन जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में हिटलर वियना चले गए। हिटलर को जर्मनी का तानाशाह कहा जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में भाग लिया। 1918 में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुए थे तो उन्होंने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। 1953 में आज के दिन कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ था। रिहा होने वाले 100 संयुक्त राष्ट्र सैनिकों में 12 ब्रितानी, 30 अमेरिकी, 50 दक्षिण कोरियाई, 4 तुर्की और 1 फिलीपींस के सैनिक थे। चीनी स्टाइल की नीली वर्दी और सोवियत ढंग की टोपी लगाए इन युद्ध बंदियों को मुनसान ले जाया गया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। 1972 में आज के दिन अपोलो 16 अभियान 6 घंटों तक संकट से जूझने के बाद अंततः चंद्रमा पर उतर गया। अपोलो 16 अपोलो कार्यक्रम का 10वां मानव अभियान और चंद्रमा पर अवतरण करने वाला 5वां अभियान था। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बनी। जैसे ही अपोलो ने चांद की धरती को छुआ, ड्यूक के मुंह से निकला संपर्क। इस अभियान में भी अपोलो 15 की तरह पृथ्वी की ओर वापसी के दौरान यान से बाहर आकर कैमरों से फिल्म कैसेट निकाली गई थी। इस यान ने चंद्रमा की कक्षा में एक उपग्रह छोड़ा था जिसने चंद्रमा की 34 दिनों तक परिक्रमाएं की। इस उपग्रह का द्रव्यमान 36.3 किलोग्राम था। इस अभियान ने चंद्रमा के मार्ग से पृथ्वी की कई तस्वीरें भी ली थी। 1974 में आज के दिन उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष में मृतकों की संख्या 1000 हो गई थी। मरने वालों में 1000वें व्यक्ति थे एक पेट्रोल पंप के मालिक जेम्स मर्फी। रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले मर्फी का शव एक सड़क के किनारे घास की पट्टी पर पड़ा मिला था। 70 के दशक में उत्तरी आयरलैंड आंतरिक हिंसा का बुरी तरह से शिकार हुआ था। और 1999 में आज के दिन अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी हुई थी जिसमें 25 लोग मारे गए थे। अमेरिकी नगर डेनवर के कोलम्बाइन स्कूल में हाई स्कूल के दो छात्रों ने अंधाधुंध गोलीबारी में 25 लोगों को मार दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। इस घटना में 15 अन्य लोग घायल हो गए थे। घटना के बारे में बाद में पता चला कि ये दोनों एरिक हैरिस और डिलेन क्लेनबोल्ड ट्रेंच कोट माफिया के सदस्य थे, जो बंदूकें रखना अपनी शान समझते थे और दूसरे बच्चों से अलग रहते थे।